हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? स्टूडेंट्स, आप सबको पता है सीबीएसई ने इस बार कोविड के वजह से पेपर कैंसिल कर दिया। दैट मीन्स जो 10th क्लास के बच्चे होंगे उनको पेपर देना नहीं पड़ेगा। बट आपने कभी सोचा है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा, परसेंटेज कैसे बनेंगे? क्या आप जितना मेहनत करके परसेंटेज ला सकते थे कितना परसेंटेज आ जाएगा? तो सीबीएसई के नोटिफिकेशन के हिसाब से सीबीएसई ने ये बोला है कि आपका जो रिजल्ट देंगे वो आपका इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से देंगे। दैट मीन्स आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ होगा जिसमें प्रैक्टिकल मार्क्स आए होंगे और आपने जो भी मार्क्स प्री बोर्ड में सिक्योर किए होंगे उसके हिसाब से आपको परसेंटेज दे दिया जाएगा। बट स्टूडेंट्स, एक बार आप सोचिए, अगर उसके परसेंटेज हिसाब से आपका परसेंटेज अच्छी नहीं बनी तो आप क्या करेंगे? दैट मीन्स अगर आपका इंटरनल असेसमेंट का एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया हो, यानी आपका 35, 40 या 60% मार्क्स आया हो, तो आप क्या करेंगे? आपने तो ये सोच रखा था कि जैसे ही बोर्ड का एग्ज़ाम आएगा 2 या 3 महीने मेहनत करके परसेंटेज हाई कर देंगे। दैट मीन्स 80, 85, 90 कर देंगे। बट पेपर कैंसिल होने की वजह से आप तो कर नहीं पाएंगे, तो ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है दोस्तों। इसके बारे में आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए एंड किस हिसाब से आप अपना रिजल्ट बहुत हाई परसेंटेज सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर ये हुआ था, बट कुछ पेपर बच्चों ने दे चुके थे और कुछ पेपर नहीं दिए थे। लास्ट ईयर क्या किया सीबीएसई ने, जो भी बच्चों ने पेपर दिया था उनका, अगर किसी ने 3 या 4 पेपर दे चुके थे उनका हाईएस्ट 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ले आते थे। उनका हाईएस्ट 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ला के उसका एवरेज चेक करते थे, उसी एवरेज के हिसाब से वो मार्क्स दे देते थे। जो बच्चे 2 पेपर दिए थे यानी 2 सब्जेक्ट दिए हैं, उन 2 सब्जेक्ट में से हाईएस्ट परसेंटेज एग्रीगेट करते थे यानी एवरेज निकालते थे, उसी एवरेज के हिसाब से बाकी सारे जो सब्जेक्ट बच्चा उनका मार्क्स दे देते थे। बट इस बार में भी सीबीएसई ने ये बोला है कि इंटरनल असेसमेंट से होगा। दैट मीन्स जो आपने प्री बोर्ड दिया था उसी प्री बोर्ड के हिसाब से और प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएंगे। दैट मीन्स आपका परसेंटेज डिटरमाइन किया जाएगा। बट बाय चांस अगर आपने उस परसेंटेज से सेटिस्फाई नहीं हुए, ये सबसे बड़ा मुश्किल की बात है। सीबीएसई ने ये नोटिफाई किया है कि अगर आप उस परसेंटेज से सेटिस्फाई नहीं होंगे देन आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप पेपर देने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपना पेपर दे के दोबारा एग्ज़ाम दे के आप अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं देन आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए एक डेट नोटिफाई होगा और आप उस डेट को एग्ज़ाम दे के आप अपना मार्क्स बढ़ा सकते हैं। बट इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आपको लगता है कि आपको पेपर देना है यानी एग्ज़ाम दे के आपको मार्क्स को परसेंटेज को एनहांस करना है, हाई परसेंटेज लाना है, देन आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई भी एनी 3 सब्जेक्ट में बेस्ट प्रैक्टिस कर लेना चाहिए ताकि आप जब भी वो पेपर देंगे उसमें से बहुत हाई परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ 80 आप 75 अबव को स्कोर कर सकें। अगर आप 75 अबव स्कोर कर पाते हैं देन आपका जो परसेंटेज है वो हाई हो जाएगा, जो रेस्ट सब्जेक्ट बचा उसी के परसेंटेज को इसके साथ ऐड कर दिया जाएगा। तो मेरा ये सजेशन ध्यान रखना, अगर आप किसी को लगता है कि इंटरनल असेसमेंट से आपको सेटिस्फाई नहीं मिल रहा यानी आपको परसेंटेज चेंज करना है या परसेंटेज को आगे बढ़ाना है और हाई परसेंटेज सिक्योर करना है और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं देन आपको क्या करना चाहिए, आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट को इतना अच्छे से तैयारी कर लेना चाहिए जब आप एग्ज़ाम देंगे उस 3 सब्जेक्ट में आपको परसेंटेज हाई हो जाए।